हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक ओपन करेंगे। हिंदी की बुक में लेसन सिक्स का नाम है गुरु महाराज का आगमन। क्या नाम है लेसन सिक्स का? गुरु महाराज का आगमन। इसमें सबसे पहले अपन शब्दार्थ देखेंगे। तीन फर्स्ट है, तीन जिला मतलब तीन मंजिल की इमारत, आशीर्वाद मतलब आशीष, महेश्वरी मतलब निवाड़ की खाट या पलंग, रुलार्स मतलब रोने जैसे, बेहद होश बहुत तेज, पवित्र मतलब पावन, उदय उपद्रव शैतानी, पेट पूजा मतलब भोजन खाना। ये आपको अपनी फैक्ट को अपने लेसन का नाम नोट करके शब्दार्थ राइट करना है। अब अपन चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर में ही सभी बच्चे शरारतें करते हैं, पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी शरारत से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, और विशेष रूप से हमारे घर आए अतिथि को तो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे बहुत शरारत करते हैं, पर शरारत नहीं करना चाहिए, और इस बात का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि घर पे हमारे कोई भी विशेष अतिथि आए उनको परेशान नहीं करना चाहिए। बचपन में मेरा एक मित्र, उसका नाम लल्लू। लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे। क्या नाम था उस बच्चे का? लल्लू। लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए पुराना घर तोड़वा कर तीन मंजिला इमारत बनाई थी। तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि वे अपने गुरु महाराजा को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करें। किसकी इच्छा थी? उनकी माँ की। क्या इच्छा थी उनकी माँ की? स्टूडेंट कि घर पे गुरुजन को बुलवाए और गुरुजनों के बुलवाकर उनके चरणों को रज मतलब धुलवा के घर को पवित्र करें। कुछ दिनों के बाद गुरु महाराजा आ गए, लेकिन कैसा खराब दिन था। आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी, आंधी और पानी थमने का नाम नहीं लेती। ऐसा दिन था कि जिस दिन गुरु महाराजा आने वाले थे उस दिन ऐसा दिन था कि बादलों में काली घटा छाई हुई थी और पानी थमने का नाम नहीं ले रहा था। बातचीत में रात हो गई। राह के थके हुए गुरुदेव खा पीकर पलंग पर जाकर लेट गए। बातचीत में क्या हो गई? रात हो गई। गुरुदेव खाना पीना खाकर पलंग पर जाकर लेट गए। बढ़िया पलंग और गुलगुले बिछोने पर लेटकर प्रश्नचित्त गुरुजी के मन ही मन में लल्लू की माँ नंदरानी को अपने आशीर्वाद दिए, लेकिन आधी रात में अकस्मात उनकी नींद उजड़ गई। छत से पानी टपक रहा था। छत से पानी क्या रहा था बच्चों? टपक रहा था। उनकी तो तर हो रही थी। ओ पानी कितना ठंडा है। हड़बड़ाहट में पलंग से उड़ गए। मतलब पानी उसमें काफी ज्यादा था तो वो कहाँ गिर रहा था बच्चों? उनकी कौन तर मतलब गीली हो गई थी। ओ पानी कितना ठंडा है। कौन बोल रहा है पानी कितना ठंडा है? गुरु जी। हड़बड़ाहट में वो पलंग से उठ गए। पेज नंबर 45 पे आगे। निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। मसली सहमत गुरुजी उससे दूसरे कोने में खींच ले गए और चुपके से फिर ले गए। जो वो गुरुजी थे उस पलंग को थोड़ी दूर खींच के ले गए और चुपके से लेट गए। लेकिन एक मिनट भी नहीं बीत पाया था कि फिर वैसे ही दो चार बूंद ठंडा पानी टप टप पेट पर टपका। दो चार मिनट भी नहीं होता उसके बाद ही उनके पैर पर ठंडा पानी टपका टपका। गुरु महाराजा फिर उठकर बैठे, फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए। फिर गुरु महाराजा उठे और उन्होंने उस पलंग को दूसरे किनारे पर ले गए। फिर लेट पर पेट के ऊपर
पानी का टपकना जारी रहा। फिर वो लेट गए कि पानी का टपकना क्या था, जारी था। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने ले गए, लेकिन वहां भी वही हाल हुआ। वो उस पलंग को खींच के चौथे कोने पर ले गए, लेकिन वहां पे भी वही हाल था। लेकिन वहां भी वही हाल हुआ। इस बार टटोल कर देखा, बिछोने भी भीग गया है, सोने का उपाय नहीं है। मतलब जो उनका पलंग था वो पूरी तरह भीग गया था और सोने का भी कुछ उपाय नहीं है। डरते हुए गुरु महाराजा बरामदे में आए। डरते हुए गुरु महाराजा कहाँ आए, बरामदे में आए। वहाँ एक लालटेन जला रही थी, जल रही थी, किंतु आदमी कोई नहीं था। वहाँ पे क्या, एक बड़े हॉल में आए हो तो वहाँ पे एक लालटेन जल रही थी, लेकिन वहाँ पे कोई आदमी नहीं था। एक तरह एक बेंच पड़ी हुई थी, एक तरफ क्या हुआ, वहाँ पे एक बेंच रखी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जा बैठे। लाचार ने वो परेशान हो गए, फिर वह उसी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया। इसी तरह एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। बड़े बड़े मच्छरों ने जाने कहां से आकर उनके कानों के पास भनभनाना शुरू कर दिया। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। क्या हुआ, वहां पे जाके उनको मच्छर, उनके पास मच्छर आके बिनबिनाने लगे और मच्छरों के काटने से उनको क्या जलन होने लगी। गुरुजी तेजी से उठकर वहां से भागे, लेकिन मच्छरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने वहां से भी वो उठकर दूसरे वाले रूम में गए, लेकिन वहां पे भी उन्होंने मच्छरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते थे। गुरुजी क्या हुआ, बार बार परेशान होकर इधर उधर हाथ पे मारते, आंगोश फटकार कर मच्छरों को भागते थे। लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक न पाते थे। ऐसा करने से इतनी कोशिश के लिए पर वो रोक मच्छर को रोक नहीं पाते थे। गुरुजी की इस गोलाबारी से अगर दो चार मच्छर शहीद हो जाते तो उनकी जगह लेने के लिए कई फौज आ जाती थी। दूने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे और इस जाड़े से ऋतु में भी उनकी देह से पसीना छूट गया। मतलब वो जो गुरुजी थे वो उनको मच्छरों ने इतना परेशान कर दिया था कि वह उनकी देह जगह थी वह छोड़कर भागने लगे। अब बच्चों आगे का जो है पैराग्राफ और नेक्स्ट पेज ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आप इस चैप्टर को आप घर पे एक बार और अच्छे से रीड करना। ओके स्टूडेंट, और अपनी फेयर कॉपी में शब्दार्थ नोट करना। थैंक यू।